बहुत ही इजी रेसिपी है। जब भी आपका मन करे कुछ खाने को, कुछ हो ना, तो आप इसे अंडे निकालें और ये रेसिपी बनाएं। बहुत ही मजे की बनती है और बहुत इजी रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बना रहे हैं अंडे का कटाकट, जिसके लिए हम चीजें ले रहे हैं। 4 अदद अंडे लिए हमने, 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ले रहे हैं, 1 कटी हुई प्याज ले रहे हैं, 1 कटा हुआ टमाटर ले रहे हैं, नमक ले रहे हैं 1/2 टीस्पून, आप जितना मर्जी ले सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर ले रहे हैं 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ले रहे हैं 1 टेबलस्पून, हल्दी ले रहे हैं 1/4 टीस्पून, मेथी के दाने ले रहे हैं 7 अदद, ये दही ले रहे हैं 1 टेबलस्पून, धनिया के पत्ते ले रहे हैं 2 टेबलस्पून, हरी मिर्च ले रहे हैं 2 कटी हुई, ऑयल ले रहे हैं 1/4 कप। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, साथ इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे, इनको हमने लाइट ब्राउन करना है। प्याजों को हमने लाइट सा कलर देना है, वाइट सा ब्राउन कलर दिया और उसमें मेथी दाना डाल दिया, बस मिक्स कर लिया। अब उसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और ये टमाटर डाल देंगे जो हमने काट कर रखे हुए हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 कप पानी डाल के इसे 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे। ताकि ये जो सारे मसाले हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन हमने डाला है, इनका कच्चापन दूर हो जाए, इसलिए हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, आप कवर उठा कर देखेंगे, मसाला तैयार हो चुका है। ये देखिए टमाटर और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम दही डाल देंगे। दही डालने के बाद इसे हम मज़ीद पकाएंगे, फिर उसके बाद हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। अब इसमें हम अंडे शामिल करेंगे, इन्हें अच्छी तरह फैलाएंगे ताकि ये मसाले के साथ मिक्स हो जाए। इसे हम भूनते जाएंगे जब तक ऑयल अंडों से निकल ना जाए, तब तक हमने इसे भूनना है। ये देखिए ये कटाकट की शक्ल में आ गया। अब इस चम्मच को हम सीधा करके इस तरह ऐसे ऐसे करेंगे, इसका कटाकट कर रहे हैं, ये बिल्कुल अलहदा अलहदा हो गए हैं। ये देखें जैसे इनमें से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा तो समझे ये कटाकट तैयार है। इसमें धनिया और हरी मिर्च डाल के इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए आपको नजर आ रहा है इसमें से ऑयल निकल रहा है। अब इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और धनिया डाल देंगे। तैयार है अंडे का कटाकट। आप फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। अब इसे डिश आउट करने के लिए हम एक प्लेट लेंगे। तैयार है अंडे का कटाकट। बहुत ही इजी रेसिपी है। जब भी आपका मन करे कुछ खाने को, कुछ हो ना, तो आप इसे अंडे निकालें और ये रेसिपी बनाएं। बहुत ही मजे की बनती है और बहुत इजी रेसिपी है। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।